Hi guys, welcome or welcome back to लॉकिजी How are you all? And welcome to another video in the series important current affairs for law entrance exams 2021-2022. तो हम ये जो सीरीज है इसके अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाते हैं जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है पैरालंपिक्स जो टोक्यो में हुए थे और इंडिया के बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया दोबारा बता रही हो हम टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस इशू फिर लिस्ट ऑफ विनर्स एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड स्ट्राटेजी के रिलेटेड टू टोक्यो ओलंपिक्स ठीक है issue, तो स, ना तो ये सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे वो लॉ एंट्रेंस है चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें है, जिसके अंदर जी के आती है तो हेल्प करो उनकी शेयर करो ये वीडियो उनके साथ चलिए जल्द video. Ki taraf. Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggiri. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected.

मेडल के बारे में जो मेडल दिए गए हैं उसकी खासियत क्या है सबसे पहले तो वो डिजाइन किसने किए हैं डिजाइन बाय साखलो को मैट सुमोटो। तो ये याद करने का तरीका बता देती हूँ थोड़ा सा फनी है जिसका भी नाम साक्षी होता है इंडिया में उसको साख बोल देते हैं ना साख हमारे ग्रुप में तो ये होता है साख को बोला लो साखलो साखलो लो ले लो ठीक है ये पकड़ो क्या पकड़ो इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ो ठीक है ना और उनको रिसाइकल करो रिसाइकल मेटल से बने थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग प्रोग्राम है उनका उसके अंदर रिसाइकल मेटल इन्होंने यूज़ किया था टू क्रिएट मेडल्स ठीक है ओलंपिक के और साग के पास गए साख को बोला साख लो ये पकड़ो मैट पर बैठो मोटे से मैट पर बैठो साथ मैट पर बैठो और Uh, ये जो है मेडल्स बनाओ ठीक है ना थोड़ा फनी वे है जब भी ऑप्शन दिखेगा आप कर सक पाओगे आंसर तो ये है uh, साखलो लो मोटो ठीक है इन्होंने बनाया मेडल टोक्यो 2020 समर पैरालंपिक मेडल्स व कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रिसाइकल्स सारे ही टोक्यो के ओलंपिक्स में जो मेडल्स मिले ओलंपिक के जो मेडल थे वो रिसाइकिल्ड मेडल से बने थे ऑप्टेन थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग ठीक है ना जो पैरा गेम्स है उनके बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं सर लुडविक गुडमैन मैन लेट द आइडिया ऑफ स्टॉक मैडविल गेम्स फॉर द पेरालाइज द गेम्स वर हेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ हॉस्पिटल दैट ट्रीटेड इंजर्ड वॉर वेटर इट फीचर सिक्स पीपल

इट फीचरिंग फोर हंड्रेड ओलम्पिक्स फ्रॉम ट्वेंटी थ्रीज नेम पैरोल्पिक्स इंडिकेट्स अब ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हमने क्या नोट करना है कहां पर हुआ कब हुआ सबसे पहले ठीक है और ये जो नेम है है ठीक इंडिकेट एन इवेंट हैपनिंग इन द ओलंपिक्स मतलब जो पैरलर हो रहा है ओलंपिक्स के अलोंग साइड ओलम्पिक्स ठीक है ना क्योंकि पैरोल्पिक हम लगता है पैरालाइसिस पैरा उससे लिया गया है ठीक है ना बट ये नहीं है पेरोलंपिक का मतलब क्या है इंडिकेट एन इवेंट हैपनिंग इन पार्लर अलॉन्ग साइड द है ना तो इस वीडियो के हमें गया क्या है, जो थी वो हमारा मतलब इन्होंने जीता बॉर्न इन मेहसाना गुजरात मेहसाना गुजरात में ये पैदा हुई है इवेंट एंड कैटेगरी ये सब कुछ नोट करना बहुत जरूरी है सब में से क्वेश्चन बनता है इवेंट एंड कैटेगरी इनका टेबल टेनिस क्लास फोर तो ये क्लास फोर जो कैटेगरी होती है ना वो बताती है कि क्या मतलब उनमें उन होता है तो क्लास फोर का मतलब एक कैटेगरी है कि उनका लिम नहीं चलता है कोई प्रॉब्लम है मसल में प्रॉब्लम है तो वो ऐसा होता है राइट तो गेम है टेबल टेनिस और कैटेगरी इनकी है क्लास फोर तो दोनों याद कर लीजिए शी वाज डायग्नोज विद पोलियो व्हेन शी वाज ट्वेल्व मंथ ओल्ड तो द हिंदू के अंदर कहीं ट्वेल्व ईयरस लिखा हुआ है बट सारे ही न्यूज के अंदर मंथ्स या वन ईयर लिखा हुआ है ट्वेल्व मंथ्स या वन ईयर तो मैं इसके साथ जा रही हूँ तो बहुत सारे बच्चे बाद में कहते हैं कि नहीं ये गलत है तुम बता रहे भावना पाटे पटेल बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द फाइनल ऑफ अ टेबल टेनिस तो ये पहली इंडियन बनी जो फाइनल में गई टेबल टेनिस के पैरालंपिक्स के इवेंट में विद अ हार्ड फाइट ऑफ थ्री टू विन ओवर चाइना ठीक है किसको हराया इन्होंने मियाओन झांग इन क्लास फोर सेमीफाइनल तो सेमीफाइनल में इन्होंने किसको हराया सेमीफाइनल में इन्होंने हराया चाइना की मियाओ झांग को ठीक है ना मियाओ झांग को हैंग कर दिया मियाओ इन्होंने मियाओ करी बिल्ली की आवाज निकाली और जेड हैंग कर दिया ऊपर ठीक है ना मियाओ की आवाज निकाली और जेड को ऊपर हैंग कर दिया सेमीफाइनल के अंदर और फिर शी वन सिल्वर मेडल इसका मतलब ये किसी से हारी भी तो किससे हारी भवीना गेव इंडिया मेडल इन द गेम्स ठीक है फर्स्ट मेडल इन्होंने दिया इस टोक्यो गेम्स के अंदर पैरालंपिक्स ने आफ्टर गोइंग डाउन टू चाइनीज पेडलर यिंग झो तो ये भी चाइना की है ये भी चाइना की थी ठीक है ना इनका जेड ऊपर हैंग कर दिया था तो यिंग झाउ आई अपना जेड लेकर कहती हाउ जेड दो मेरा वापस ठीक है ना जेड वापस ले लिया और ये गैंग करने लग गई ठीक है ऐसा याद कर सकते हो बहुत ही फनी तरीका है बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं पर यार याद करने से मतलब है जैसे मर्जी याद हो जाए तो ये इनसे हार गई थी बट हराया किसको इनका जेड हैंग कर दिया था ठीक है ना ऐसे याद कर लो और ये कौन सा मेडल लेकर आई है हमारे लिए ये अपने लिए और पूरे हमारी कंट्री के लिए सिल्वर मेडल कर लिया नाउट सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से कहाँ पे पैदा हुई है कौन सा इवेंट है कौन सी कैटेगरी है क्या इनको प्रॉब्लम है पोलियो ठीक है ना मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगी ये वॉरियर्स हैं मतलब इनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम रोते रहते हैं इनके पास इनके पास एक एक्सक्यूज़ है बहुत कट कि हम नहीं कर सकते बट फिर भी इन्होंने कर कर दिखाया तो बहुत बड़ी बात है ठीक है इन्होंने किस सेमीफाइनल्स में किससे जीती ठीक है ना सिल्व कौन सा मेडल जीती फिर उसके बाद फाइनल्स के अंदर किससे थोड़ा मतलब हो गया सीन तो वो ये है ठीक है निशांत कुमार निशांत कुमार ने भी मेडल जीता है ये कहा से अम्ब ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से आते हैं ये लोग इवेंट एंड कैटेगरी जो है वो हाई जम्पैराटिक्स टी फोर्टी सेवन देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ टी फोर्टी सेवन क्लास इज मेंट फॉर द एथलेटिक्स विद अ विदिलेट्रल अपर लिम्ब इम्पेयरमेंट ठीक है ना तो अब यूनिटरल अपर लिम इम्पेयरमेंट है तो उनको टी फोर्टी सेवन क्लास के अंदर डाला जाता है राइट ओके तो हाई जंप के अंदर इन्होंने मेडल लेकर आए हैं ये सिल्वर जीता इन्होंने भी ठीक है हेल्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फार्मर्स वाज एट व्हेन हिज राइट हैंड वाज कट बाय ग्रास कटिंग मशीन एट हिज फैमिली फार्म तो इनका हाथ कटा हुआ है राइट निषाद कुमार वन सिल्वर मेडल ठीक है 21 इयर्स के हैं और क्लीयरड 0 सॉरी 2.06 मीटर 2.06 मीटर क्लियर किया टू सेट अ न्यू एशियन मार्क ये भी इंपॉर्टेंट है देखो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ अब कोशिश करती हूँ कि जो मटेरियल रेलेवेंट है वही ऐड करूँ जितना ज़्यादा से ज्यादा ठीक है ना या फिर वो चीज़ ऐड करूँ जो आपको याद करने में चीज़ को हेल्प करेगा राइट बनाने को मैं और भी छोटी वीडियो बना सकती हूँ बट फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो जाएगी राइट और यूएसएस रॉड्रिक टाउनसेंड वन विद अ वर्ल्ड रिकॉर्ड जंप ऑफ 2.15 हमारे वाले ने कितनी मारी 2.06 यूएसए वाले ने मारी 2.15 मीटर की जंप ठीक है ना और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया ठीक है और ये कौन थे रॉड्रिक uh, uh, अब ये याद कर रहा हूँ रोड के माइक्स बहुत अच्छे होते हैं अगर आप फोटोग्राफी किया इसमें हैं तो रोड्रिक रोड्रिक के लिए गए ठीक है ना रोड रिक्शा पे बैठकर टाउन में गए और उन्होंने सेंड करी अपनी जंप कितनी लंबी 2.15 मीटर ठीक है व्हाइल फेलो अमेरिकन दलास वाइज ये बहुत ही वाइज हैं दलास ढल गए हैं और वाइज बन गए हैं वाज अवार्डेड अ सिल्वर फॉर हिज 2.06 मीटर एफर्ट अब तो इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता बिकॉज़ इनकी भी 2.06 की टू पॉइंट मीटर्स की जंप है द सेकंड इंडियन इन द फ्रे मतलब सेकंड इंडियन जो इसी कॉम्पिटिशन uh, में थे वो थे रामपाल फिनिश्ड फिफ्थ विद द बेस्ट जंप ऑफ 1.94 पॉइंट मीटर्स तो इनके बारे में भी हमें बताना चाहिए क्या पता कोई जो महाशय पेपर सेट कर रहे हैं वो कुछ छोड़कर ये पूछ रहे हैं कि और किसका क्या हुआ था राइट right? तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है और ये क्लास भी पता होनी चाहिए कि कौन सी है स्पेशली क्लाट वालों को बाकी सब तो थोड़ा ईज पे चल सकते हैं बट क्लाट वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बात करते हैं विनोद कुमार की तो विनोद कुमार जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज uh, देखते हैं क्या इशू हो गया था इनके साथ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये है नेटिव uh, रोहतक हरियाणा के इवेंट जो इनका था वो था डिस्कस थ्रो पैरा एथलेटिक्स एफ फिफ्टी uh, टू इनकी क्लास थी ठीक है एफ फिफ्टी टू क्लासीफेषन इज फॉर एथलेटिक्स विद इंपेयर मसल पावर रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट लिम डेफिशेंसी और लेग लेंथ डिफरेंस विद एथलेटिक्स कंपीटिंग इन सीटेड पोजिशन तो बैठ कर ये कंपीट करते हैं तो ये सब इशूज हो सकते हैं इनके साथ तो वो वो टी एफ 52 क्लास में डाले जाते हैं ठीक है तो ये इन्होंने बी एस एफ ज्वाइन किया था और ये लेक के अंदर ट्रेनिंग के टाइम पर एक क्लिफ से गिर गए थे और आ, ये टेन ईयर्स तक बेड रिडन भी रहे ऐसा कहा जा रहा है ठीक है और इनका ब्रॉन्ज आना था मेडल बट नहीं आ पाया ठीक है ना पहले कह दिया गया था कि ब्रॉन्ज आ गया है उसके बाद क्या हुआ पढ़ लेते हैं पहले विनोद ऑल्सो सेट एन एशियन रिकॉर्ड विद अ थ्रो ऑफ 19.91 मीटर वाइल विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल पार्टर कोसेविक्स ऑफ पोलैंड एंड बेलमिडिज सेंडोर सेंडोर वो साबुन होती है ना सोप ये मस्त कली कुछ ऐसा सा नाम था उसका बचपन में आती थी तो वेलमिर वर्ल्डमिर प्यूटिन वेलमिर सेंडोर ऑफ क्रोशिया वन गोल्ड एंड सिल्वर तो ये सिल्वर जीते हैं मतलब और uh, वो पोलैंड वाले गोल्ड जीते हैं ठीक है ना तो क्या हुआ हमारे वालों ने विनोद कुमार का ब्रॉन्ज आ गया था बट आ, वो प्रोटेस्ट लॉन्च हो गई थी आ, तो क्लासिफिकेशन जो होती है ना वो करी जाती है कमेटी बैठती है वो देखती है और रिव्यू के लिए रखा हुआ था इनका अंडर रिव्यू था ऐसा कहा जा रहा है तो वो जो अब प्रोटेस्ट लॉन्च कर दी गई थी कि ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं एफ फिफ्टी टू की जो कैटेगरी है ठीक है ना तो प्रोटेस्ट हुई तो फिर आ, उसके बाद आया कि वॉज डीम्ड इन एलिजिबल आफ्टर डिस क्लासिफिकेशन रीअसेसमेंट उन्होंने कहा कि ये इन एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू डिसबिलिटी क्लासिफिकेशन रीअसेसमेंट ठीक है ना तो ओलंपिक की कमेटी होती है जो असेस करती है तो ये था तो ब्रॉन्ज आया बट नहीं आया फिर वापस ले लिया गया हमसे तो ये हुआ विनोद कुमार के केस में तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज एक सिचुएशन हुई तो वो जरूरी है ठीक है क्या तो हुआ उनका जो ब्रॉन्ज मेडल था वो नहीं स्टैंड किया ठीक है ना और क्या क्या रिजल्ट क्या का क्लासिफिकेशन नॉट कम्पलीटेड तो जो उनकी क्लासिफिकेशन थी मतलब जो क्लास के अंदर डालते हैं वो कम्प्लीट नहीं हुई थी वो अंडर रिव्यू थी एंड रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वाइड तो बहुत ही बुरा हुआ मतलब अच्छा नहीं लगता ना ऐसे एक बार जीतो और फिर ऐसा हो जाए तो बात नहीं अब चलते हैं अगले सुमित अंतिल सुमित अंतिल जो है वो नेटिव ऑफ सोनीपत हरियाणा है ठीक है ना इवेंट इनका कैटेगरी जैवलिन थ्रो पा, पा, फ, एफ सिक्सटी फोर कैटेगरी है ठीक एस सिक्सटी फोर कैटेगरी जो होती है एथलेटिक्स विद अ लेग एम्प्यूटेशन ठीक है ना लेग एम्प्यूटेशन कम्पीट विद प्रोस्थेटिक्स इन अ स्टैंडिंग पोजिशन ठीक है ना तो जो लेग नहीं होती है उसकी जगह प्रोस्थेटिक्स uh, लगा दिया जाते हैं आर्टिफिशियल लेग टाइप का होता है वो ठीक है वो लगा देते हैं तो तब वो कम्पीट करते हैं और खड़े होकर कम्पीट करते हैं ये है एफ सिक्सटी फोर नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है तो ये रैंक वर्ल्ड नंबर वन ऑल्सो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन एफ सिक्सटी फोर ठीक है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है ये हमारे ट्वेंटी थ्री रोल्स मिथ वॉज एज ही वेंट टू द टॉप ऑफ द पोडियम विद एन एस्टॉनिशिंग थ्रो ऑफ ये नोट कर लीजिए सिक्सटी एट पॉइंट फाइव फाइव मीटर की इनकी थ्रो थी जैवलिन थ्रो जिसके अंदर नीरज चोपड़ा मेडल लेकर आए इन्हें फिफ्थ अटैम्प्ट ठीक है ऑस्ट्रेलियन मिकल बुरियन ठीक है माइकल बुरियन 66.29 मीटर का थ्रो था श्रीलंका दुल्हन दुल्हन कोडी ये दुल्हन बन के गए थे और फिर कोडी थूवाकू खाकर कोई डिश 65.61 मीटर का इनका थ्रो था ये सारे नोट कर लीजिए फिर इनका सिल्वर और ब्रॉन्स बना ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इन मार्च दिस ईयर सुमित सुमितज कम्पटेड अगेंस्ट कम्पीटेड अगेंस्ट पैरोल्पिक चैंपियन नीरज चोपड़ा इन द इंडियन जीपी सीरीज थ्री वेयर ही फिनिश सेवंथ विद अ 66.43 मीटर मतलब जो आ, ये तो पैरॉल्पिक्स थे कि है ना जिनकी थोड़ा प्रॉब्लम है उन्होंने पार्टिसिपेट किया बट वहाँ पे तो हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था एंड फिर भी ही फिनिश्ड एट सेवंथ पोजिशन जो कि बहुत बड़ी बात है ही ट्वेंटी नाइनटीन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दुबई तो अब क्या है इनकी स्टोरी मैं तुम सबको पढ़ाना चाहती हूँ मेरे बच्चों Ye, uh, you know, भी है बट इंस्पायरिंग भी है सन ऑफ एन एयरफोर्स जूनियर वॉरेंट ऑफिसर सुमित रेस्लर ओलियर ये एक रेस्लर थे पहले इन इन जनवरी ट्वेंटी ठीक है ना तो एक्सीडेंट से लगे तो लेग जो था वो एम्प्यूटेट करना पड़ा काटना पड़ा बिलो द नी बहुत बड़ी बात है ही वॉज फिटेड विदेटिक्रीम ऑफ बिकमिंग ड्रीम देखी रेस्लर बनना है वो खत्म हो गई क्योंकि एक्सीडेंट हो गया ठीक है ना मेरे ड्रॉन्गटे खड़े हो रहे हैं इस टाइम पे ये पढ़ते हुए तो ही कॉन्टिन्यू टू डू हिस्स वर्कआउट वर्कआउट नहीं बन गया स्पोर्ट्स प्लेयर थे वर्कआउट कॉन्टिन्यू किया इन ट्वेंटी सेवनटीन वेन अथलीट टोल्ड हम अबाउट दैरा गेम्स हिज लाइफ चेंज फॉर एवर तो रेसलर थे जैवलिन थ्रो में आए 2017 के अंदर 2021 के अंदर 2019 के अंदर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गए तो एक चीज़ बताना चाहती हूँ बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और जब प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करते हैं वो कहते हैं हमारे पास तो मेरा जो भाई है वो तो तीन साल से प्रिपेयर कर एक साल से प्रिपेयर कर रहा है मेरा फ्रेंड है दो साल से कर रहा है तो टाइम मैटर नहीं करता आप कितने शुद्ध एफर्ट डालते हो कितना हार्ड एफर्ट डालते हो हार्ड से ज़्यादा कितना मतलब ट्रूली वो एफर्ट डालते हो एक तो ना बोलना कि हाँ मैं इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ राइट और दूसरा उसमें पूरा का पूरा एफर्ट डालना और सही करेक्ट एफर्ट डालना वो बहुत मैटर करता है राइट तभी मैंने ये जो यू नो स्क्रीन शॉट है ये लिया कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगी तो देखो जो लोग एक लेग कंप्लीट लेग नहीं है ठीक है ना और वो लेग ना होना ठीक है फिर भी भागना और मेडल जीतना और अपने लाइफ में गिव अप नहीं करना एक बहुत बड़ी बात है इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये चैम्पियंस हैं वॉरियर्स हैं इन ट्रू सेंस राइट देवेंद्र झजारिया तो नेटिव हैं ये चुरू के राजस्थान से हैं तो इम्पोर्टेंट है इवेंट कैटेगरी इनका जेवलिन थ्रो है क्लास इनके एफ फोर्टी सिक्स कैटेगरी ठीक है एज फोर्टी बैकग्राउंड इनका व्हेन ही वाज नाइन ही एक्सटेंटली टच हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर एंड हिज टू बी एम्प्यूटेटेड ठीक है तो एक हाई ये भी नोट कर लीजिए क्वेश्चन बन सकता है इससे ठीक है देवेंद्र झजारिया एफ फोर्टी सिक्स कैटेगरी सिल्वर इन जैवलिन ये कौन सा मेडल लेकर आए हमारे लिए सिल्वर मेडल लेकर आए ये कौन सा मेडल लेकर आए सिल्वर मेडल जीता इन्होंने देवेंद्र क्लिंच सिल्वर इन द एफ फोर्टी सिक्स कैटेगरी अहेड ऑफ कंपाट्रिएट सुंदर सिंह गुर्जर द फोर्टी ईयर ओल्ड हु वन गोल्ड इन टू थाउजेंड फोर एंड ट्वेंटी सिक्सटीन गेम्स पोल्ड ऑफ अ न्यू पर्सनल बेस्ट थ्रो सिक्सटी फोर पॉइंट थ्री फाइव मीटर फॉर सिल्वर ठीक है ना तो इनका थ्रो कितने का था सिक्सटी फोर पॉइंट थ्री फाइव मीटर और दो हजार चार और दो हजार सोलह में भी यह मेडल जीत चुके हैं देवेंद्रेज हैड बेटर हिज ओन वर्ल्ड रिकॉर्ड सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन सेवन मीटर ब श्रीलंकन दिनेश प्रियन हैथ मुद्यान सेलाग सेट अव मार्क ऑफ तो इन्होंने कितने का सेट कर दिया मार्क सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन मीटर तो इन्होंने अपना बेस्ट थ्रो दिया अब बट श्रीलंका वाले जो हमारे थे उन्होंने इतने का थ्रो कर दिया ठीक है जो ज़्यादा था हमारे वाले से बहुत ज़्यादा ठीक है द एफ फोर्टी सिक्स कैटेगरी इज फॉर एथलेटिक्स विद आर्म डेफिशियम्पेयर्ड मसल पावर और इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट इन आर्म्स विद एथलेटिक्स कम्पीटिंग इन अ स्टैंडिंग पोजिशन ठीक है ना तो जावलिन थ्रो के अंदर ऐसे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता सुंदर सिंह गुर्जार से, सुंदर सिंह गुर्जार जो है वो नेटिव कहाँ कर हैं करौली कुर, राजस्थान से हैं ये भी जैवलिन थ्रो एफ फोर्टी सिक्स कैटेगरी रैंक वर्ल्ड नंबर थ्री अर्जुना अवार्ड मिला इनको ट्वेंटी नाइनटीन के अंदर सुंदर सिंह गुर्जार पिक्ड अप ब्रॉन्स इन झजरियाज इवेंट ठीक है ना उसी इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज मिला इनको तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है ना जब मतलब एक ही कंट्री से होते हैं द ट्वेंटी फाइव ईयर रोल्स सुंदर हु लॉस्ट इज लेफ्ट हैंड इन ट्वेंटी फिफ्टीन आफ्टर अ मेटल शीट फेल ऑन हिम वॉज थर्ड विद द बेस्ट एफर्ट ऑफ सिक्सटी फोर पॉइंट जीरो वन मीटर ये याद ये याद रोकर जो जितने भी मीटर्स होते हैं ये डिस्टेंस जो होता है वो याद रखा करो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सब में से क्वेश्चन बनते हैं छः के छः क्वेश्चन राइट right. उसके बाद अवनी लेखारा अवनी लेखारा जी के बारे में पढ़ते हैं नेटिव है ये जयपुर राजस्थान की इवेंट एंड कैटेगरी इनका है शूटिंग आर टू वुमेंस टेन मीटर एयर राइफल एस एच वन आर थ्री मिक्स टेन मीटर एयर राइफल प्रोन एस एच वन आर सिक्स फिफ्टी मीटर राइफल प्रोन एस एच वन आर एट वुमेंस फिफ्टी मीटर राइफल्स थ्री पोजिशन वर्ल्ड नंबर रैंक इनका है फाइव इन आर टू एंड नंबर सिक्स इन आर एट मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट रैंकिंग होती है बट इन्होंने क्वालिफाई किया इन सब चीज़ों के लिए वो बहुत ही बड़ी बात है ठीक है उसके background a car accident and a spinal injury in 2012 put her on wheelchair inspired by abhinav bindra's book a shot at history she took up shooting oh my god i mean

ठीक है स्कोर कितना था टू पॉइंट टू फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स इन आर टू ये ये इंपॉर्टेंट है फिनिश विद अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वलिंग टोटल ऑफ टू फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स विच इज ऑल्सो अ न्यू पैरालंपिक रिकॉर्ड तो इन्होंने एक पैरालंपिक रिकॉर्ड बना दिया ठीक है न अपनी क्लेम द फिफ्टी मीटर राइफल थ्री पोजिशन एस एच ब्रॉन्ज टू एड टू द गोल्ड शी हैड सिक्योर्ड है पहले क्या लेकर आई गोल्ड मेडल लेकर आई फिर ये फिफ्टी मीटर राइफल थ्री पोजिशन एस एच वन के अंदर दूसरी कैटेगरी के अंदर ये क्या ले आई ब्रॉन्ज ले आई In a fiercely contested final, Avni total 5.9 to finish behind China's Zhang Qiping and Germany's Natasha. हिल ट्रोप ठीक है ये इम्पोर्टेंट है उसके बाद प्रायर टू हर जोगिंदर सिंह सोडी वॉज द लोन इंडियन टू विन मल्टीपल मेडल्स इन द सेम एडिशन ऑफ द गेम्स वेन ही वन वन सिल्वर शॉटपुट एंड टू ब्रॉन्स डिस्कस एंड जेवलिन मेडल्स इन नाइनटीन नाइनटी फोर तो ना तो इससे पहले जोगिंदर सिंह सोडी ही एक ऐसे यू नो प्लेयर थे जिन्होंने मल्टीपल मेडल्स जीते थे ठीक है ना इन द सेम एडिशन ऑफ द गेम्स ठीक है तो ये बन गई सेकेंड और अभी एक और है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बात करते हैं योगेश कथूनिया योगेश कथूनिया नेटिव ऑफ बहादुरगढ़ हरियाणा इवेंट एंड कैटेगरी इनका क्या है डिस्कस थ्रो एफ फिफ्टी सिक्स को बिलोंग करते हैं एफ फिफ्टी सिक्स पावर पेल्विक स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय सम टू फुल अबिलिटी टू प्रेस द नीज टू गैदर ठीक है ना ये इनका होता है रैंक है ये वर्ल्ड नंबर थ्री ठीक है उसके बाद डिस्कस थ्रो योगेश कथूरिया वन सिल्वर तो लिख दो सिल्वर ठीक है इनका सिल्वर मेडल जीता इन्होंने द ट्वेंटी फोर योर ओल्ड योगेश सेंट द डिस्क टू अ बेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस फोर्टी फोर पॉइंट नोट कर लो इम्पॉर्टेंट है फोर्टी इन हेज सिक्स एंड लास्ट अटैम्प्टू टू दिल्वर द सिल्वर इन सिक्स कैटेगरी अब देखो ये हमें पता है ऑलरेडी कि सिल्वर जीता ठीक है ना तो ये डिस्टेंस नोट कर लो यहाँ से डिस्टेंस नोट कर लो ये जरूरी है उसके बाद ब्राजील ने बस पतीसा सुने पतीसा यार बड़ा तो अच्छा होता है आई मीन दैट वो ये पतीसा का डब्बा वो डब्बा है जो दिवाली पे सबसे ज्यादा फॉरवर्ड मारा जाता है मेरे ख्याल से तो बतीसा और पतीसा राइमिंग नहीं है मतलब तो तुम मेरे को पीटना मत किसी दिन <laughs> कैसे पीटोगे मैं मिलूंगी नहीं पतीसा तो पतीसा जी जो थे ब्राजील से आए हुए उन्होंने द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डिफेंडिंग हिस्स राइटल विथ फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव नाइन तो हमारे वाले थोड़ा सा कम रह गया यार अगली बारी तो हमारा गोल्ड पक्का है इस कैटेगरी में पक्का से ठीक है क्यूबाज लियोनार्जो दियाज अल्दाना टुक ब्रॉन्स ठीक है ना लियाडो दाविनशी ठीक है ना आल्डो से याद कर लो लियाडो अल्दाना ठीक है अनादर इंडियन संदीप चौधरी फिनिश फोर्थ तो एक और इंडियन ने पार्टिसिपेट किया था वो उनकी फोर्थ पोजीशन है क्या नाम था उनका संदीप चौधरी नेक्स्ट पे चलते हैं मरियापन थांगवेलू नेटिव ऑफ सलेम तमिलनाडु अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गल कर दी आई रिली अपॉलजाइस इवेंट एंड कैटेगरी जो इनका है वो है हाई जम्प कैटेगरी टी सिक्सटी थ्री टी मेडल जो है इनका टी कैटेगरी में आया है बैकग्राउंड फाइव वाइल ही वॉज वॉज फाइव ही बस रन ओवर हिज राइट लाइक वन गोल्ड एट रियो ओलंपिक्स ये इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है नोट कर लो पर मेडल किस में आए ये कैटेगरी नोट कर देना टी मरियापन वन सिल्वर इन मेन्स हाई जंप टी सिक्सटी थ्री मरियापन क्लियर वन पॉइंट एट सिक्स मीटर वाइल्ड अमेरिकन गोल्ड विनर साम ग्रेव हु फिनिश्ड बिहाइंड द इंडियन इन द

थोड़ा सा ही फर्क था कोई बात नहीं अगली बार मेरे तो लगता है इस कैटेगरी में हम ही हम होंगे मतलब इंडिया इंडिया होगा राइट तो नोट कर लीजिए सारा इंपॉर्टेंट है दी सिक्सटी थ्री एफ सिक्सटी थ्री क्लासिफिकेशन इज फॉर एथलेटिक्स एथलीट्स विद सिंगल थ्रो नी और अबव नी डेफिशिएंसी कंपीटिंग विद प्रोस्थेटिक प्रोस्थेसिस वेयर मिनिमम इंपेयरमेंट क्राइटेरिया फॉर फॉर लोअर लिम आर मेट शरद कुमार के बारे में बात करते हैं मोतीपुर बिहार से आते हैं कैटेगरी टी सिक्सटी थ्री टी फोर्टी टू है इनकी और टी सिक्सटी थ्री के अंदर ये ब्रॉन्स मेडल

हाई जंपर परवीन कुमार नॉक्ड ऑफ एन एशियन रिकॉर्ड इन्होंने एशियन रिकॉर्ड भी बनाया एशियन रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं एशियन कॉन्टिनेंट में रिकॉर्ड बनाया एशियन रिकॉर्ड बनाया द एडी नी ऑफ कम्पीटिंग इन हिस डेबिट गेम पहली बार ओलंपिक्स में आए क्लिंच द मेडल इन टी 64 हाई जंप सेटिंग अ न्यू एशियन रिकॉर्ड विद अ पर्सनल बेस्ट एफर्ट ऑफ कितना था 2.07 मीटर का डिस्टेंस था एफर्ट टू फिनिश बिहाइंड ग्रेट ब्रिटेन किसके पीछे ग्रेट ब्रिटेन जोनाथन ब्रूम एडवर्ड्स अरे यार हैरी पॉटर में वो ब्रूम पे घूमते हैं ना तो ब्रूम जी अपने जोनाथन अपने ब्रूम पे बैठे और एडवर्ड की तरफ चले गए इन्होंने you know, कितना किया टू पॉइंट ही कम का डिफरेंस था यार मीटर्स ठीक है ना द मीटर्सिटी क्लासिफिकेशन दैट प्रवीन बिलोंग्स टू इज फॉर एथलेटिक्स विद लेग लेग लेंथ डिफरेंस इम्पेयर मसल पावर और पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट इन द लेग्स हिज इम्पेयरमेंट विच इज अफेक्ट्स द बोन्स दैट कनेक्ट हिज हिप टू हिज लेफ्ट लेग राइट तो टी सिक्स कैटेगरी में इन्होंने जीता है ये इंपॉर्टेंट है हरविंदर सिंह हरविंदर सिंह नेटिव है अजीत नगर कैथल हरियाणा के इवेंट जो इनका है पैरा आर्करी मेंस रिकव ओपन इन इंडिविजुअल इवेंट ठीक है नंबर ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड नंबर ठीक है फेल इल ड्यू टू डेंगी व्हेन एज्ड वन टू वन वन एंड हाफ इयर्स वन टू हाफ इयर्स ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ एन इंजेक्शन हिज लेग्स डि नॉट फंक्शन प्रॉपरली दुखी बात है हरविंदर सिंह बिकेम इंडिया फर्स्ट आकर टू फिनिश ऑन पोडियम तो ये फर्स्ट आकर है हमारे तो इम्पोर्टेंट है इंपॉर्टेंट है नोट कर लो हरविंदर कलेक्टेड लास्ट कमिंग अगेंस्ट कोरियन मिनसू किम मिनसू इन द ब्रज प्ले ऑफ हरविंदर पाइट किंग विदेन एट विन इन शूट ऑफ इन द सेमीफाइनल हरविंदर है तो मेरे प्यार बच्चों इन्होंने मेडल कौन सा जीता ये सब कुछ पढ़कर हमें पता चलता है कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता कौन सा मेडल जीता ब्रॉन्ज मेडल जीता चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं प्रमोद भगत प्रमोद भगत आता बगीरा उड़ीसा से आते हैं एल सिक्सटी थ्री पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड नंबर वन रह चुके हैं रह चुके नहीं हैं एस एल थ्री सिंगल्स के अंदर बैकग्राउंड वाज इन्फेक्टेड विथ पोलियो एट द एज ऑफ फाइव इन एडुकुएट ट्रीटमेंट कॉस्ट डिफॉर्मिटी इन हिज लेग्स इन एडुकुएट ट्रीटमेंट राइट प्रमोद भगत लेट द चार्ज इन बैडमिंटन क्लिंचिंग गोल्ड इन द मेन्स एस एल एस एल थ्री कैटेगरी ठीक है ना कौन सा मेडल जीता इन्होंने गोल्ड गोल्ड जीता इन फाइनल इन द फाइनल भगत डिफीटेड ग्रेट ब्रिटेन डैनियल बेटेल वाशिंगटन, वाशिंगटन, विलिंगटन होता है बता दो मुझे पता नहीं मैं ब्रांच मुझे नहीं पता होता डेनियल विलिंगटन की वॉच होती है ठीक है ना वाशिंगटन बना दिया था मैं वाह बा, क्या बात है डेनियल की वॉच डालकर ऐसा बोलते हैं बेट हेल बेट लगाई थी इन्होंने एंड बेट हार गए इन्होंने हा, बेट लगाई थी कि ये जीत जाएंगे बट हार गए तो कहते हेल तो डैनियल की वॉच डाल कर गए थे बेट लगाई थी कि जीत जाएंगे बट हार गए फिर कहते हेल वो तो हेल कहते नहीं हम लोग और हमारे प्रमोद भगत जी जीत गए राइट हो गया चले नेक्स्ट पर अब मनीष नरवाल तो मनीष नरवाल जो है वो फरीदाबाद में पैदा हुए हरियाणा के हैं ये तो इनकी जो कैटेगरी है वो शूटिंग के अंदर है शूटिंग के अंदर ये कैटेगरीज हैं इनकी 10 मीटर पिस्टल एस एच वन पी फोर मिक्स फिफ्टी पिस्टल एस एच वन तो इन्होंने जो मेडल जीता है वो जीता है फिफ्टी मीटर एयर पिस्टल एस एच वन कॉम्पिटिशन में तो याद रखना बिकॉज कन्फ्यूजन uh, ना हो ठीक है ना तो uh, ये जो था पैरोल्पिक रिकॉर्ड क्लॉकिंग टू वन एट पॉइंट टू पॉइंट ठीक है

ठीक है ना जी आ, शेव करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं उनका इसलिए आ गया ओके okay? नेक्स्ट अब बात करते हैं सिंहराज अदाना जिन्होंने पिछली ही कैटेगरी में सिल्वर जीता याद रखेंगे हम ठीक है ना ये फरीदाबाद हरियाणा के हैं ठीक है कैटेगरी इनकी वही कैटेगरीज हैं इनकी पी वन मैं टेन मीटर एयर पिस्टल एस एच वन है पी फोर मिक्सड फिफ्टी मीटर पिस्टल एस एच वन अफेक्टेड बाय पोलियो ठीक है शूटर सिंहराज अदाना फेच द ब्रॉन्ज इन द मेन्स टेन मीटर एयर पिस्टल इवेंट तो इन्होंने कितने मेडल जीते दो मेडल्स जीते अच्छा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि और किसी और किसने टोक्यो पैरालंपिक्स में दो मेडल जीते नाम बताओ और उससे पहले किसने जीता था ऐसे ठीक है सिंगराज अदाना शॉर्ट अटोल एट टू फिनिश दी वन मेन्स टेन मीटर एयर पिस्टल इवेंट डिस्टेंस नोट कर लो इंपॉर्टेंट है मनीष नरवाल नरवाल हु टॉप द क्वालिफिकेशन विद फिनिश द द एट प्लेस इन द फाइनल ठीक है चलो ठीक है हो, हो गया इसके बाद इंडियन इन द इवेंट दिपेंद्र सिंह फिनिश्ड टेंथ China dominated the finals while defending champion Chao Yang Chao Yang 237.9 and Yuan Jing winning gold and silver respectively as a pistol is held with one hand only athletics in SH1 category have an impairment affecting one arm one arm and or the legs for example, resulting from amputations or spinal cord injuries, P1 is a classification for men's 10 meter air pistol competition. Shooters either compete in a seated or sit standing position as defined in the rules. अब चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डू द ड्रिल ठीक है ना जल्दी से सेशन को कंप्लीट करते हैं सो so दैट आपके नोट्स खत्म हो कंप्लीट uh, हो जाए और आप याद कर सको मनोज सरकार नेक्स्ट मेडल लेकर आए हमारा बॉर्न इन उत्तराखंड एस एल थ्री स्पोर्ट पैरा बैडमिंटन इनकी कैटेगरी है स्ट्रक बाय पोलियो ड्यूरिंग हिज तीन एज ठीक है ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है इंडियाज मनोज सरकार सिक्योर्ड द ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता कौन सी कैटेगरी में मेन्स एस बैडमिंटन सेक्शन में सरकार डिफीटेड जापान्स डाई सूखे ठीक है ना ये सूख गए डाई जो डाई होते हैं सूख गए सूखे ठीक है ना फ्यूजी हारा अब फ्यूजी फिल्म कैमरा आता है फ्यूजी हार हार और फिर इसको सूखा पड़ गया बेचारा जब फ्यूजी हार गया ठीक है ना डाई सूखे नहीं राइट उसके बाद इनको डिफीट किया ही डिफीटेड हिम राइट ड्यूल दैट स्ट्रेच अक्रॉस फोर्टी सेवन मिनट्स याद करना है किस को डिफीट किया कौन सा मेडल कौन सी कैटेगरी क्या हुआ था ठीक है ये सारा याद करना है ओके कृष्णा नागर नेटिव हैं जयपुर के एस एच सिल पैरा बैडमिंटन ठीक है वर्ल्ड रैंक नंबर टू इन एस एच सिल सिंगल्स जो हमने पिछले uh, की बात करी थी और uh, वो जो प्लेयर हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं बैकग्राउंड हैज अ शॉर्ट स्टेचर इम्पेयरमेंट कृष्णा नागर वन गोल्ड तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता गोल्ड द ट्वेंटी टू ईर ओल्ड कृष्ण

Impairment okay. Suhas Yathiraj, Suhas Yathiraj, native of Hassan, Karnataka, SL4, para, uh, para badminton background. Suhas, who has a congenital deformity in one of his legs, is an IES officer who is serving as district magistrate of Gautam, Budhanagar. This is very, very important. He's the first IES to win a medal. राइट right, uh, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ये कहाँ पे डीएम है गौतम बुद्ध नगर में डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट हैं ठीक है गौतम बुद्ध नगर के अंदर आई ऑफिसर हैं ठीक है इनका नाम है सुहास रथीराज नाम इनका सब कुछ याद कर लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुहास रथीराज वन सिल्वर कौन सा मेडल लेकर ये सिल्वर मेडल राइट right? सुहास वेंट डाउन फाइटिंग टू स्टॉप सीड लुकस माजूर ऑफ फ्रांस इन द सिंगल्स एल फोर क्लास फाइनल किससे थोड़ा सा हार गए लुकास माजूर ठीक है ना लवकाश माजूर से हार गए Shooter Avni Lekhra, who won two medals, carried the Indian flag during the closing ceremony. Avni Lekhara ne carry get The country finished with an unparalleled 19 medals, including 5 gold, 6 silver, to sign off. 24th in the overall tally, the highest ever. In all, 54 Olympics came to Tokyo and 17 of them left with medals around their necks, which is very important. All of this is very, very important. Okay. And Paralympic medal count. तो जो फर्स्ट आए ही कंट्री वो है चाइना ठीक है ये था उनका 207 का कितने इतने मेडल्स लेके गए ग्रेट ब्रिटेन 124, ट्वेंटी 104, फर्स्ट फोर का याद कर लो बाकी हमारी अपनी कंट्री का याद कर लो ठीक है ना तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी हो अगर आपको चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और करूं तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि दी ये वीडियोस हमें हेल्प करती है प्लीज कंटिन्यू डूइंग इन दीज वीडियोज अगर आप चाहते हो कि मैं कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करूं तो कॉमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी बिकॉज दैट हेल्प मी इन हेल्पिंग यू मोर एंड दैट ऑल्सो मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज डो नॉट फोरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज उसके अंदर सारी वीडियोज के लिंक्स हैं प्लेलिस्ट हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी सो या दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ एलसीपर सुन यू कीप ऑन स्टार्टिंग एंड वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड बाय एंड टेक केयर